फाइंड अ वे टू हील हर, और हम इसका रास्ता नहीं है मैडम, कह सकते हैं मैडम यू गॉट वन गुरु हु डोंट वांट टू गो, इज अ फीमेल गुरु, कोई महिला गुरु है जो आपको छोड़ के नहीं जाना चाह रही है, कौन है आपको आइडेंटिफाई कीजिए, दैट्स ऑल, कोई भी, सो थिंक ऑफ अ फीमेल गुरु, यू जस्ट थिंक, आई डोंट वांट द नेम, आई से यस और नो, यू थिंक मैडम, सोचिए आप बारे में कोई तो है जिससे आप प्रभावित हैं वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाह रही है, और गुरु स्पिरिचुअल गुरु और समवन यू लिसन टू बाय टॉकिंग और समथिंग लाइक दैट, ये तो थिंकिंग मैडम, हो सकता है फ्यूचर गुरु ना हो या कोई ऐसा है, आई हैव टू नो द नेम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई जस्ट थिंक माय फ्रेंड, यू नो स्पिरिचुअल गुरु जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा जिससे आप प्रभावित हैं, आप प्रभावित हैं, वेट कम सर, सुनिए ध्यान से सुनेंगे, आई वॉन्ट टू मैड्रिड इन स्पेन, सर मैड्रिड में थे स्पेन में, इंडियन लेडी थे वहां पर, एक हिंदुस्तानी महिला थी, 28 ईयर ओल्ड गर्ल, 28 ईयर्स उम्र थी, सो मच ऑफ पेन, उनके सिर पे काफी तेज दर्द था, नेवर कम टू इंडिया बिफोर, वो कभी भी हिंदुस्तान इससे पहले नहीं आई थी, बट मैनी मैनी पेन, पर उनको बहुत ही तेज दर्द था सर, इंडियन गुरु कमिंग हियर, और उनके कोई भारतीय गुरु थे जो उनको कंट्रोल कर रहे थे, उनके फीमेल गुरु, कोई महिला गुरु थी, शायद नो गुरु, उनका यह कमेंट कि हम किसी गुरु के पास गए नहीं, हमको नहीं मालूम कि कौन गुरु है, अरे थिंक, नो आई कैन नॉट थिंक, उन्होंने बोला कि आप सोचिए कोई तो गुरु होगा, पर उन्होंने बोला कि नहीं हम सोचते हैं, सर वॉच इंडियन टीवी, उनको बोला कि क्या आप इंडियन टीवी या टीवी में इंडियन चैनल्स देखते हैं, यस आई वॉच, उन्होंने बोला हाँ हम देखते हैं, एनी स्पिरिचुअल चैनल यू वॉच, कोई धार्मिक चैनल आप देखते हैं, सर यस, उन्होंने बोला हाँ हम देखते हैं, हू शुड वॉच, किसको देखते हैं आप, यू नो हू शुड वॉच, किसको देख रही थी, उन्होंने बताया सिस्टर शिवानी ब्रह्म कुमारी इसकी बहन शिवानी को प्रवचन वो सुनती थी, गॉड कमिंग हियर, और वो उनको वहां से प्रभाव डाल रही थी, तो आप like that, you think of a female guru. That's all. I'm just saying example what I, how I after the healer, she has no pain to until today. No more. She doesn't watch TV anymore. अब वो टीवी नहीं देखती है, उनका पेन ठीक हो गया है और वो पूरी तरह से हील है, उनको सिर दर्द नहीं हो रहा है, आई कम टू होटल, वे होटल वापस आए मुंबई में, ओपन टीवी, उन्होंने टीवी ओपन करके देखा, टाटा स्काई चैनल पे स्पिरिचुअल प्रोग्राम आ रहा था, एवरी गुरु इज एडवर्टाइजिंग, सभी गुरु जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, आई वॉज सो शॉक, एवरीबडी एडवर्टाइजिंग, कोयम्बतूर गुरु, बैंगलोर गुरु, माउंट आबू गुरु, और एडवर्टाइजिंग, सो व्हेन डिड स्पिरिचुअल बिकम दिस नाउ, वहां पर टीवी में उन्होंने देखा कि सभी जो गुरु थे उनके एड आ रहे थे, अलग अलग जगह के गुरु हैं और उनके अलग अलग एड आ रहे थे, और ये काफी शॉकिंग था सबके लिए, प्लीज थिंक ऑफ अ फीमेल गुरु, आई से यस और नो, आई डोंट वांट टू नो, नाम मत बताइए, कोई ऐसा है क्या ये बताइए, मैंने टीवी में देखा हो आपने या कहीं प्रवचन सुने हो आपने, कहीं व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल, आई डोंट केयर, जस्ट थिंक ऑफ, आप सोचिए, आप सोचिए उसके बारे में, मैंने थिंकिंग, यस एफर्मेशन प्लीज, जस्ट थिंक, नो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि आप कहाँ पे ब्लॉक हो रहे हैं, आप अपने मन में सोचिए, यहाँ पर हम आपकी मदद करने आए हैं, हम आपकी मदद करेंगे, नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं, किसको बैक पेन, हाथ ऊपर करें, ओनली फॉर पीपल, सीधा मैडम अभी बैठिए, सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, जिनका बैक में कमर में दर्द है वो हाथ ऊपर करें, आई कैन गारंटी दैट यू गो बैक होम टू रेस्ट द बैक पेन, इस बात की गारंटी है कि आज आप जब घर जाएंगे तो आपको बैक पेन नहीं होगा, लिसन, ओके प्लीज मैडम,
Put the guru's name and read. इसको पढ़िए मैम. Why? Wait. In a beast. Read. ये पिन होल चश्मा है प्राण वाली बिल्डिंग का जिसमें ये टीने जैसा उसमें बारीक छेद है मतलब आप ऐसे देखेंगे तो चश्मे के आर पार आप नहीं देख पाएंगे और जैसे ही लगाएंगे आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगा बिना चश्मे के. The bracket, put the name in it. Now she can read. The bracket is the one that you have thought about. What a glass. The pin holes. Yes, pin holes. In Kashmir, there is nothing in the Kashmir. There is only a small shade. Now I'm checking. Gone? Gone. How about the pain, madam? How is the pain, madam? Zero. 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 Now why can't you listen to me? Why are you arguing with me? All your minds are contaminated with so many shit. When you gonna clean this shit now? आपका मस्तिष्क जीरो मैडम है तमाम कचरे से भरा हुआ है. आप जब तक उसे बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे या हील होता हुआ महसूस नहीं कर पाएंगे. आई डोंट नो गुरु. आई डोंट नो. आई नेवर वॉच टीवी. आई नेवर डू दिस. आई नेवर डू दैट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. मैडम माय टीचिंग इज वेरी सिंपल. माय हीलिंग इज आल्सो वेरी सिंपल. हमारी शिक्षा और दोनों ही बहुत आसान है. यू कैन फाइंड द राइट वे टू फाइंड गॉड विदाउट एनी मिल्क विदाउट एनी पूजा विदाउट एनीथिंग. आई टीच यू इफ यू आर इंटरेस्टेड. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको ईश्वर से मिलने का रास्ता भी बताएंगे बिना किसी पूजा के बिना किसी कर्मकांड के. एवरी वन ऑफ यू हियर इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड. यहाँ पर उपस्थित सभी लोग ईश्वर की संतान हैं. दैट इज पेज. She put the name of that person and she write that pen is zero because the connection went away. उन्होंने सिर्फ उस व्यक्ति का नाम उस जगह पर रख के जिसपे भी वो महसूस कर रही थी कि शायद वो ब्लॉक हो सकता है उसके कारण ब्लॉक हो उनका नाम रख के उसको पढ़ा और वो जो कनेक्शन था वो टूट गया है और इस कारण वो अपने आप को पूरी तरह से हील महसूस कर रही है.